आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों आपका रिवाइज सिलेबस आ गया है। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं और आपकी स्पेसिमेन कॉपी जो है क्वेश्चन पेपर यानी कि सैंपल पेपर रिलीज हो गई है। तो बच्चों वैसे तो मैं सॉल्व सॉल्यूशंस लाने वाली हूँ, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। देखो आपके इस बार जो एग्जाम होने वाली है वो पहले की तरह होने वाली है। 80 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू थ्योरी एंड 20 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू योर प्रैक्टिकल। तो देखो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, 2 घंटा लिखा हुआ है, 2 घंटे का होगा, ठीक है। और 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, सॉरी थ्योरी होगी, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब इसमें देखो कुछ चीजें लिखी हुई है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन वन। आपका जो क्वेश्चन है सेक्शन वन जो है वो 40 मार्क्स का है आउट ऑफ 80, यानी कि 80 मार्क्स को दो भागों में बांटा गया है, सेक्शन वन 40, सेक्शन टू भी 40। तो सेक्शन वन जो है चूंकि ये एमसीक्यू टाइप है तो ये मैंडेट है, इसको आपको बच्चे कर जाना है सारे। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन टू, सेक्शन टू जो 40 नंबर का है उसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि देयर यू हैव एन ऑप्शन। तो देखो आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर देखो तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट वगैरह वगैरह पूछा गया है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से है, फोटोसिंथेसिस से है तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से है, यानी कि सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 नंबर का है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है ये जो कह रहा है सारे करने हैं, तो मतलब सारे ही करने हैं, और दिस इज एमसीक्यू टाइप, देख लो आप, देखो एमसीक्यू जैसा ही है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स ईच है, ठीक। देखा यहाँ पे 5 नंबर का ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये बी है, दिस इज वॉट इज कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स है, 5 नंबर का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो बहुत ही केयरफुली आंसर करना है। सी जो है देखो सी भी 5 नंबर का है, यहाँ पर द गिव टेक्निकल टर्म, जैसे कोई प्रोसेस है उसका टेक्निकल टर्म जो होता है वो आपको बताना है, वो भी 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर डी भी 5 नंबर का है। अच्छी बात ये है कि एक ही क्वेश्चन 5 का नहीं है, 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन को 5-5 यानी कि भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर भी देखो कैटेगरी डिवाइडेड है, यू हैव बीन गिवन, यहाँ पर 5 सेट दिया हुआ है, इन ईच सेट 1 टर्म इज ऑड। इसमें से ये जो सेट है ना, जैसे स्नीजिंग कफिंग ब्लिंकिंग एंड टाइपिंग, स्नीजिंग कफिंग एंड ब्लिंकिंग तो एक टाइप की चीज हो गई, लेकिन टाइपिंग एक अलग चीज है ना, तो ये ऑड वन आउट है, तो इसको ऐसे लिखना है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। फिर ये है देखो यहाँ पे एक डायग्राम यानी कि एक अपैरेटस दिया हुआ है, और यहाँ पर बता रहा है कि स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चन। आप पहले डायग्राम देखोगे, आप अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ लोगे चैप्टर तो यह बहुत आसानी से बना लोगे। वाटर का कंडक्शन दिखाया जा रहा है, राइट, वाटर कैसे चढ़ता है प्लांट के ऊपर। फिर अपैरेटस का नाम देखो, यहाँ पर भी 5 नंबर 5 क्वेश्चन। फिर सेल साइकिल से क्वेश्चन है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। आपको करेक्ट दिस इज पर्टिकुलरली एमसीक्यू, तो ये पूरा एमसीक्यू है। यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चन थे और 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर जी जो है सेक्शन 1 का, यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर 5 सेट्स ऑफ टर्म्स, इन ईच केसेस अरेंज एंड रीराइट ईच सेट। आपको सीक्वेंस में लिखना, जैसे कोई प्रोसेस होता है ना, जैसे डाइजेशन ही है, देयर इज अ प्रोसेस, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे एंड होता है, तो आपको वो पूरा स्टेप वाइज लिखना है, तो आपको सीक्वेंस भी लर्न करनी होगी हर प्रोसेस की। देन देयर आर सर्टेन टर्म्स, जैसे फोटोलाइसिस है, फोटो मतलब लाइट, और उसके हेल्प से जब ब्रेक डाउन होता है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारे टर्म्स हैं एक एक नंबर के हैं। तो 1 मार्क्स का है तो आपको डेफिनेशन तो आना चाहिए, और विथ डेफिनेशन यू शुड नो कि आपको एग्जाम्पल्स लिख देने चाहिए अगर एग्जाम्पल हैं तो। तो यहाँ पर सेक्शन 1 एंड हो गया और वो 40 नंबर का था। अब सेक्शन बी जो है यानी कि सेक्शन नंबर 2 जो है वो 40 नंबर का है, बट यहाँ पर आपके पास एक फ्रीडम है कि आप इसमें से 4 ही आंसर करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 था पूरा सेक्शन नंबर 1। यहाँ पे ये हार्ट को दिखाया जा रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन हार्ट का। अब इसको स्टडी देखो, इसको आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है, नहीं तो ये जो नंबर 1 नंबर 2 करके पूछते हैं ना, लेवल द पार्ट, ये बच्चे बहुत सारा गलत करते हैं हर साल, सीबीएसई वाले भी आईसीएसई वाले भी। तो बहुत अच्छे से इस डायग्राम को समझो। देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर है। उसी तरीके से बी पार्ट जो है, यानी कि अगर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब इसका ए और बी दोनों करोगे, यानी कि 10 नंबर, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो डिफरेंशिएट करना, जैसे लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है,
रॉड सेल कोन सेल है, तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो हर क्वेश्चन में ना ए और बी है, तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना जिसका ए और बी आपको दोनों ही ढंग से आता हो। हालांकि अभी टाइम है, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, यहाँ पे हॉर्मोन्स हैं, फंक्शंस हैं, तो इसको कंप्लीट करना है आपको, तो कंप्लीट करने के लिए आपको प्रॉपरली आना चाहिए। देन कम्स द सेक्शन बी, जिसमें पार्ट वन जो है वो डायग्राम है मालपिगियन कॉर्पसल्स का। तो बेटा आप जब जिसके डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते जब तक आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ना समझ में आए, जब प्रॉपर समझ जाओगे तो ही आप कर पाओगे। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट अकर्स इन ग्लोमेरुलस। ये तो ग्लोमेरुलस जो आप ये जानते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो, और आपको उसको पढ़ना होगा तभी आप इसको बना सकते हो। स्टडी द डायग्राम, ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर फोर है, ये डायग्राम आप देख रहे हो अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आपका जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपको पार्ट्स जो है वो बताने हैं, तो पार्ट्स बताने के लिए आपको प्रॉपरली जानना होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। फिर है इसका पार्ट बी जेनेटिक्स से है, जेनेटिक्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर एक बार समझ गए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है, बस समझना है। बच्चे एक्चुअली यहाँ पर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पे देखो ह्यूमन आई गिवन है, अब बच्चे यहाँ पे आपको डिफेक्ट बताना है, यहाँ पे मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोपिया होता है, दोनों में इमेज फॉर्मेशन अलग अलग जगह पे होती है, तो आपको वहीं से पकड़ना पड़ेगा। इसका जो पार्ट बी है ये पॉपुलेशन पार्ट है, दिस इज वेरी इजी, ये भी पांच नंबर का है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लाज्मोलाइसिस को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे प्रोसेस बताना है, ये तीन क्वेश्चन पांच नंबर का है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम देके लिखना पड़ेगा इसको। इसका पार्ट बी है ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम, देखो यहाँ पर भी पांच नंबर में तीन क्वेश्चन है, यानी कि 10 मार्क्स में 6 क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा इलेबोरेट डिस्कशन ये इसको चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो बच्चों, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन दिखाया गया है, सेल डिवीजन, तो यहाँ पर भी देखो अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन कम है, मार्क्स अलॉटेड ज्यादा है, यानी कि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स अलॉटेड है वो 1 मार्क से ज्यादा है, मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको थोड़ा इलेबोरेट लिखना है। फिर पार्ट बी है, ये भी 5 नंबर का है, देख लो यहाँ पे फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इस सेक्शन में आपके पास 6 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ विच सेक्शन 2 में आपको 4 को आंसर करना था, तो अभी आप सारे नहीं बना सकते क्योंकि आपने अभी सिलेबस जस्ट जाना है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है आप आंसर इसके सॉल्व करते चलो। मैं अगले वीडियोज में जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो सॉल्यूशंस है इस सैंपल्स के स्पेसिमेंट्स के वो लेकर के आऊंगी, बट आई विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, मैं सॉल्यूशंस लेकर के आऊंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि अगर कोई अपडेट हो तो आपको ईजिली पता चल सके, राइट?